हेलो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं बिजली की घंटी। किट्टी नाम की थी एक बिजली, रहती थी वह शहर दिल्ली। किट्टी नाम की एक बिजली थी और वह शहर दिल्ली में रहती थी। घूमती फिरती इधर उधर रोज, करती रहती चूहों की खोज। किट्टी नाम की बिल्ली जो दिल्ली में रहती थी, वो रोज इधर उधर घूमती रहती थी और चूहों की खोज करती थी। खोज अर्थात सर्च करना, तलाश करना। चूहे बेचारे डर के मारे, रहते छिपे बिल में सारे। बेचारे चूहे इस बिजली से डरकर अपने बिलों में छुप कर बैठते थे। बिल अर्थात चूहों का घर। किट्टू चूहे ने एक जुगत लगाई, छज्जे पर एक सभा बुलाई। चूहों में उपस्थित एक किट्टू नाम के चूहे ने एक जुगत लगाई। जुगत में आइडिया निकाली और वह आइडिया सभी चूहों को बताने के लिए उसने एक मीटिंग बुलाई। बिट्टू सिट्टू मिट्टू चूहे ने मिलकर सभा में रौनक जमाई। बिट्टू सिट्टू मिट्टू सभी चूहे सभा में उपस्थित रहकर सभा की रौनक जमाए। मिट्टू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाया, किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया। मिट्टू चूहे ने ढम ढम ढोल बजाकर सभा की शुरुआत की और किट्टू चूहे ने एक उपाय बताया। जब बिजली के गले में घंटी बज जाएगी, तब टन टन की आवाज आएगी। किट्टू चूहे ने उपाय बताया सभी चूहों को। उसने कहा कि अगर हम बिजली के गले में घंटी बांधेंगे, तो जब बिजली चलकर आएगी तो उस घंटी की आवाज भी आएगी, टन टन टन। आवाज सुनकर हम भाग जाएंगे, हाथ बिजली के कभी ना आएंगे। किट्टू चूहे ने कहा कि अगर हम बिजली के गले में घंटी बांधेंगे, तो हमें टन टन की घंटी की आवाज आएगी और वह आवाज सुनकर हम भाग जाएंगे, तो बिजली हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। किट्टू चूहे की बात सुनी जब अचानक बूढ़ा चूहा बोला तब। किट्टू चूहे की बात सुनकर उस सभा में उपस्थित एक बूढ़ा चूहा बोला। वो कहने लगा, घंटी तो तुम ले आओगे, क्या बिजली के गले में बांध पाओगे? सभा में उपस्थित चूहा बूढ़ा चूहा बोला कि घंटी तो तुम लेकर आओगे, लेकिन क्या तुम बिजली के गले में घंटी बांध पाओगे? कौन बांधेगा बिजली के गले में घंटी? किसमें इतनी हिम्मत है? ऐसा क्वेश्चन बूढ़े चूहे ने सभी उपस्थित चूहों से पूछा। यह सुनकर सब चूहे के होश उड़ गए। गले में घंटी बांधने का रहा नहीं कोई जोश। बूढ़े चूहे की बात सुनकर सब चूहे के होश हाथा सेंस उड़ गए। गले में बिजली के गले में घंटी बांधने का किसी में भी जोश नहीं रहा। जोश यानी कि जीत, उत्साह नहीं रहा। और तभी म्याओ म्याओ करती बिजली रानी आई। सब चूहों ने भाग भाग कर जान बचाई। जब सभा शुरू थी, सब चूहे बात कर रहे थे, बिजली से बचने का उपाय ढूंढ रहे थे। तब किट्टू नाम के चूहे ने एक उपाय बताया कि बिजली के गले में घंटी बांधेंगे तो घंटी की आवाज आएगी और वह आवाज सुनकर हम भाग जाएंगे, तो बिजली हमें कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन सभा में उपस्थित एक बूढ़े चूहे ने सभी चूहों को प्रश्न किया कि घंटी तो तुम लेकर आओगे, लेकिन बिजली के गले में घंटी बांध पाओगे क्या? और यह बात सुनकर सब चूहे के होश उड़ गए। किसी में भी उत्साह नहीं रहा बिजली के गले में घंटी बांधने का। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिजली के गले में घंटी बांध सके। और तभी पर वहां पर म्याओ म्याओ करती बिजली रानी आई और यह आवाज सुनकर सब चूहों ने भाग भाग कर अपनी जान बचाई। तो बच्चों, इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है? कठिनाइयाँ आते हैं या मुसीबत आते हैं, तो हमें उसका सामना सोच समझ कर करना चाहिए। धन्यवाद।